नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेलदार समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीहोर, रायसेन और भोपाल में शिविर लगाए जाएंगे। समाज को हर जायज हक मिलेगा। मुख्यमंत्री निवास परिसर में मध्य प्रदेश बेलदार समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर समाज के छात्रों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने बेलदार समाज के लोगों से संबल योजना में पंजीयन करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में 200 रुपये फ्लैट रेट पर बिजली और बच्चों की शिक्षा के लिए फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाने जैसे अनेक कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं, ताकि गरीब परिवार मान सम्मान के साथ जीवन बिता सके। उन्होंने कहा कि समाज के भवन के लिए भूमि आवंटन आवेदन पर नियमानुसार सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों बेटियों के प्रति आदर भाव रखें, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करें, दोनों को समान रूप से शिक्षा दिलवाएं। वहीं बेलदार समाज के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। सामान्य प्रशासन एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री समेत बड़ी संख्या में बेलदार समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र हमारे बन जाए, आप चिंता मत कीजिए, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनेंगे। अब इस पर तो जोर से ताली बजाओ। बेलदार समाज अपने दिल में बसता है भाई, जो जायज हक है वो आपको मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम लोग बातचीत करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा हो जाए समाज का, आप सब में से जो आपकी समस्याओं को लाए और उसका स्टेटस ये हो जाए कि उनका समाधान करवा पाए, क्योंकि हमेशा आप नहीं आ सकते, और इसलिए हम इस व्यवस्था को भी करेंगे। एक बच्चों की शिक्षा, देखो अपन ने अभी एक मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना बनाई, संबंध वो हर समाज के लिए अपने लिए भी है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर भाई बहने हमने, पत्थर फोड़ने वाले, बिजली का काम करने वाले, ये सब आर्थिक रूप से कमजोर, इनका रजिस्ट्रेशन मुझे पता नहीं कितनों का हुआ है नहीं हुआ, वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा देना। तो मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भी फिर मैं भर पाऊंगा, फिर अलग अलग खिड़की के बड़े भेद आ गए, उसमें समाधान की कई तरह की चीजें हैं। समय के अभाव में नहीं बता रहा वो आप। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।